नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर व्यास और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे दिल की गहराई से स्वागत है। आज का वीडियो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो है बिकॉज यूट्यूब पे ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, पहला वीडियो है। और पहली चीज हमेशा ही स्पेशल होती है, चाहे वो साइकिल हो, चाहे वो वीडियो गेम हो या फिर अपना पहला मोबाइल हो। तो आज ये मेरा पहला वीडियो है, तो उम्मीद कर दो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा और जो मैं नॉलेज आपके साथ शेयर करने वाला हो आपको यूजफुल हो। यूट्यूब पे अगर आप लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हो, मतलब कि आप लोग भी यूट्यूब पे कुछ ना कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे शुरू करें, क्या करें, कौन सा वीडियो बनाए या फिर वगैरह वगैरह। तो अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैंने पिछले दो साल में मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि यार यूट्यूब पे वीडियो स्टार्ट करना है, कैसे शुरू करें, थंबनेल कैसे बनाएं। और मैंने पता नहीं कितने सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देख लिए कि वो लोग वीडियो कैसे शूट करते हैं, कैसे थंबनेल बनाते हैं, और दो साल मेरा इसी में निकल गए। लेकिन अगर ये दो साल के दौरान अगर मैं वीडियो बनाता, डेली वीडियो बनाता, तो आज मेरा चैनल बहुत ही ज़्यादा ग्रो करता और पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता। लेकिन सिर्फ दो साल मेरा इसी में मेरा टाइम वेस्ट हो गया कि मैं यूट्यूब पर क्या बनाऊँ, थंबनेल कौन सा बनाओ, वीडियोस कौन सा बनाओ। और आप लोग भी शायद वही सोच रहे होंगे, इसलिए आप लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, राइट। तो दोस्तों ऐसी गलती हमें नहीं करनी चाहिए, मैंने भी ऐसी गलती करी है। दो साल में सिर्फ सोच ही रहा था कि यार कौन सा वीडियो बनाऊं, थंबनेल कहाँ से एडिट करूं, है ना, अच्छा कैमरा कौन सा लूं, अच्छा ये क्या करूं, माइक कौन सा, सब कुछ अच्छा 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 हमको चाहिए। लेकिन फाइनली अभी मैं क्या कर रहा हूं, अपने मोबाइल से ही वीडियो को शूट कर रहा हूं। आज के समय में मोबाइल किसके पास नहीं, सभी के पास मोबाइल है, तो आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है ना। आपको देखिए, अगर आप लोग भी ज़्यादा ही सोच रहे हैं ना कि क्या करूं, यूट्यूब पे कौन सा वीडियो डालूं, थंबनेल कौन सा डालूं, अगर आप लोग भी सोच रहे हो तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बिकॉज मैंने ये गलती कर दी है, दो साल अपना टाइम वेस्ट की, राइट। तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपल सा आपका मोबाइल उठाना है, एक ट्राइपॉड लाना है 300-400 वाला सस्ता सा, और घर पे रख के अपना मोबाइल को शूट करना है। अभी मैं अपने घर पर ही बैठा हूँ सोफे पे और मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, सिंपल। अभी आप लोगों ने सोच के तो रखा ही होगा कि आपको कौन सा चैनल स्टार्ट करना है। कुछ लोगों ने सोचा होगा कि मुझे टेक्निकल में आगे बढ़ना है, कुछ लोगों ने सोचा कि मुझे कॉमेडी करना है, कुछ लोगों ने सोचा होगा कि मुझे व्लॉगिंग करना है ना, आजकल व्लॉगिंग भी बहुत लोग कर रहे हैं, तो आप लोग भी कर सकते हो। तो आपने अपना जो निश है ना वो डिसाइड कर लिया होगा, इतना मुझे पता है आप लोगों ने सब कुछ डिसाइड किया होगा। लेकिन शुरू क्या करें, शुरू कैसे करें, वो एक पहला कदम उसी में आप डगमगा रहे हो, जैसे मैं डगमगा गया था, है ना। पहला कदम भी हमसे आगे नहीं बढ़ा जा रहा था, सोच के सब कुछ है हमारा, प्लानिंग यहाँ पे दिमाग में सब कुछ प्लान्ड है कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन हम अभी तक हमने शुरू नहीं किया। यही हमारी गलती होती है कि हमने शुरू नहीं करते, हम स्टार्ट नहीं करते। तो पहला लेसन मैं आपको यही दूंगा इस वीडियो में कि आप शुरू करो, स्टार्ट करो, चाहे वो पहला वीडियो कैसा भी हो। ये भी मेरा पहला वीडियो है, चाहे पता नहीं मैं कितनी गलती कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता, बट मैं जो भी बोल रहा हूँ यहाँ से बोल रहा हूँ। मैंने दो साल वेस्ट किए, मैंने चाहता कि आप लोग वेस्ट करो और आप लोग आज ही से वीडियो बनाना स्टार्ट कर लो, बल्कि अभी से वीडियो बनाना स्टार्ट कर लो। अपना मोबाइल फोन लो और आप लोगों ने जो भी अपने दिमाग में सोचा होगा, कुछ ना कुछ आपने दिमाग में सोचा होगा, राइट। किसी ने सोचा होगा कि मैं टेक्निकल बनाऊंगा, टेक्निकल वीडियोज बनाऊंगा, तो आप लोगों ने सही सोचा है ना, बट बना लो ना, क्यों नहीं बना रहे, क्यों नहीं बना रहे, मोबाइल फोन तो है आपके पास, क्यों नहीं बना रहे, बना लो वीडियो, बनाना चालू करो। आप 100 गलती करोगे, ठीक है, मैं भी गलती अभी कर ही रहा हूँ, मुझे पता है मैं गलती बहुत कुछ ना कुछ बोल रहा हूँ, गलती कर रहा हूँ, गलत भी बोल रहा हूँ, लेकिन ये मेरा पहला वीडियो है इसलिए माफ़ करना, पहला वीडियो यार, पहला वीडियो। में हर किसी ने जब भी फर्स्ट वीडियो शुरू किया था ना, सबका यही था। आप किसी भी चैनल के किसी भी यूट्यूबर्स को देख लो, उनका फर्स्ट वीडियो देख लो और उनका आज का वीडियो 2 मिलियन वाला वीडियो देख लो, कॉन्फिडेंस एक अलग होता है, बात करने का तरीका चेंज होता है। तो हमारा भी होगा यार, हमने अभी शुरू किया है, हमारा भी होगा, मेरा भी होगा, आपका भी होगा। फर्स्ट वीडियो में दिक्कत होगी, सेकंड वीडियो में थोड़ी है ना अपग्रेड होगा, थर्ड में और अपग्रेड, फोर्थ में और अपग्रेड, और धीरे धीरे हम लोग क्या हो जाएंगे, कॉन्फिडेंट इनफ हो जाएंगे। तो ये पहली चीज़ ये है कि आप लोगों को वीडियो स्टार्ट करना है, जितना भी आपने सोचा है बहुत अच्छा सोचा है यार, अभी स्टार्ट कर लो, अब और मत सोचो। 2-3 साल सोचने में निकालोगे, इससे अच्छा 2 साल में अगर तुम वीडियोस बनाओगे तो आपके 1-2 लाख तो सब्सक्राइबर ऐसे ही हो जाएंगे, इसे अभी सोचना बंद करो बस। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट ये है कि थंबनेल को थोड़ा बढ़िया बनाओ, ठीक है। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि थंबनेल को बढ़िया कैसे बनाएं मोबाइल से। सब कुछ प्लान्ड है मेरा कि आगे कौन सा वीडियोस बनाना है, आप लोगों को कैसी हेल्प करनी है, सब कुछ प्लान्ड है मेरा, बस शुरू करना है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको फोटोशॉप आना चाहिए, आपको कोरल ड्रॉ आना चाहिए, आपको ये आना चाहिए, ये सॉफ्टवेयर आना चाहिए, तभी आप थंबनेल अच्छा बना पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। फोटोशॉप
जरूरी नहीं है मोबाइल से ही आप बढ़िया थंबनेल बना सकते हैं, मैं बताऊंगा आपको कैसे बनाना है। तो सेकंड वीडियो ये हो गया, थंबनेल बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैं मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? क्योंकि थंबनेल जो है वो फर्स्ट ऑडियंस थंबनेल देखती है, वीडियो तो बाद में देखेगी ना, पहले तो थंबनेल देखेगी। तो थंबनेल बढ़िया बनाओ, सुंदर बनाओ, ज्यादा भी टेक्स्ट मिक्स मत डालो, सिंपल से एक तो टेक्स्ट डाल के थंबनेल सुंदर बनाओ, आपकी फोटो लगा दो एक मस्त बढ़िया। बताऊंगा आपको मैं कैसे बनाना है। थर्ड पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, शुरू में जब आप वीडियो बना रहे हो तो ये गलती मत करो कि सब्सक्राइबर खरीदने हैं मुझे, किसी को पैसे दे दिए भाई 500 सब्सक्राइबर बढ़ा देंगे, ये फेक बहुत चल रहा है यूट्यूब पे। और सब्सक्राइबर बढ़ते भी है लेकिन वो जेन्युइन सब्सक्राइबर नहीं होते, ऐसे सब्सक्राइबर का क्या फायदा जो जेन्युइन ही ना हो। आपके एक बार तो आपको सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, मान लो कि आपने किसी को पैसे दे दिए, उसने आपको 500 सब्सक्राइबर दे दिया, फिर 10,000 सब्सक्राइबर दे दिए, मान लो आपके 10,000 सब्सक्राइबर हो गए लेकिन वो आपके जेन्युइन सब्सक्राइबर नहीं है। आप सेकंड वीडियो अपलोड करोगे तो वो लोग आपकी वीडियोस देखेंगे ही नहीं, बिकॉज वे आपके जेन्युइन सब्सक्राइबर नहीं है। जेन्युइन क्या होता है सब्सक्राइबर, मान लो कि आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आपको वीडियो पसंद आया मेरा तो आपने सब्सक्राइब किया, चाहे आपने एक बंदे ने मेरा वीडियो सब्सक्राइब किया, 10 लोगों ने देखा और एक ने मेरा वीडियो सब्सक्राइब किया, यानी कि वो एक बंदा मेरा जेन्युइन फैमिली मेंबर बन गया, मेरा एक सब्सक्राइबर बन गया। अभी मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ मेरा भाई वीडियो देखेगा, मेरा एक बंदा जिसने सब्सक्राइब किया वो मेरा वीडियो ज़रूर देखेगा, तो वो कनेक्ट होता है, वो अपना कनेक्शन है यार, वो अपना फैमिली मेम्बर्स है, उसने अपने को सब्सक्राइब किया, करेक्ट। तो ऐसे जेन्युइन सब्सक्राइबर बनाओ, फेक से मतलब नहीं, फेक से एक बार खुशी मिलेगी उसके बाद क्या होगा। आपको एक एग्जाम्पल दूँ, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल दूँ, एक दोस्त है मेरा, रियल फ्रेंड है, ठीक है, ये कोई फेक नहीं है या फिर यूट्यूब बनाने के लिए मैं कुछ गलत स्टोरी नहीं बता रहा, ये सिंपल सी स्टोरी है। मैं मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है वो भी मारवाड़ी है, उसके पास 50 लाख रुपए गांव से खेतर, जो हम लोग बोलते खेत बेच के, खेत बेच के उसने, तो उसने गाँव में खेत बेच के 50 लाख रुपये उसके पास थे, कितने 50 लाख। अब उसके पास दो ऑप्शन थे कि वो 50 लाख का कहीं पर एक मुंबई में घर ले लें। देखो मुंबई में अगर हम लोग ये साइड में आए कल्याण डोंबिवली तो 50 लाख में बहुत बढ़िया घर मिल जाते हैं। तो उसके पास दो ऑप्शन थे, पहला रास्ता ये था कि वो 50 लाख का घर खरीदे और उसको रेंट पे दे दे, रेंट पे देने से क्या होगा, महीने का 10,000 आता रहेगा। वो अगर मर भी जाए तो उसका जो बेटा होगा उसके पास 10,000 महीने का आता होगा, ये फर्स्ट तरीका। दूसरा तरीका ये है कि वो पूरे 50,000 को उड़ा दे, मजे करे, गाड़ी ले ले 20 लाख की और बाकी का 30 लाख वो उड़ा दे, मजे करे, इंजॉय करे, लाइफ को चिल्ड करे। तो क्या होगा, जब वो मरेगा तो पूरे 50 लाख लेकर मरेगा, जब उसका बेटा होगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ये फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, उसके बेटे को हर महीने 10,000 10,000, बेटा भी मर गया आगे जाके तो उसके बेटे को 10,000, वो पैसा मिलते रहेगा। तो जेन्युइन सब्सक्राइबर भी कुछ इसी तरह होते हैं, एक बार आपके जेन्युइन सब्सक्राइबर बन गए तो आप कितने भी वीडियोस डालते जाओ, आपके जो जेन्युइन सब्सक्राइबर है वो आपकी वीडियो को देखेंगे। इसलिए दोस्तों जेन्युइन सब्सक्राइबर की तरफ जाएं, ना कि फेक सब्सक्राइबर की तरफ। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोग ने यूट्यूब पे आपका दिमाग सेट हो गया कि आपको यूट्यूब पे वीडियो स्टार्ट करना है, आपको यूट्यूब पे वीडियोस बनाना है, आपके माइंडसेट एकदम क्लियर, बनाना चालू करो, अभी से बनाना चालू करो, बना दो, चाहे आप कितना भी गलती कर रहे हो, कितना भी फंबल कर रहे हो, है ना, तो भी बनाना चालू कर दो आज से, बल्कि अभी से चालू करो, ये वीडियो बंद कर दो, स्टार्ट मेकिंग वीडियोस, राइट। और डेली वीडियोस बनाओ, आप लोगों को पता होगा ना, हर यूट्यूबर बोलता है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक वीडियो आज डाला, दूसरा वीडियो 10 दिन बाद डाला, तीसरा वीडियो डाला ही नहीं, टाइम ही नहीं था, ऑफिस का काम, चौथा वीडियो 2 महीने बाद डाला, इस तरह आपका यूट्यूब एक साल भी हो जाएगा ना तो भी आप बोलोगे यार सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, क्यों नहीं बढ़ रहे, आपको पता है, बिकॉज आपने कंसिस्टेंट नहीं रहे यूट्यूब के साथ, डेली वीडियोज डालो या फिर 2 दिन में एक बार डालो, है ना, महीने में 15 वीडियोस तो डालो, 30 दिन होते हैं महीने में, 15 डालो, 16 डालो, 17 डालो, या फिर अगर आपके पास एकदम टाइम मैनेजमेंट का बहुत सही तरीका है आपके पास, आपको पता है किस तरह टाइम को मैनेज किया जाता है, तो आप 30 दिन में 30 वीडियो डालो, ठीक है। मेरा तो एक ही टारगेट है, महीने का 17-18 वीडियो, ठीक है, बिकॉज मैं ऑफिस का भी काम करता हूँ, IT में हूँ, तो सब कुछ हैंडल करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी डालूंगा वीडियोस, इतना तो है कि 15 से ज्यादा ही वीडियोस डालूंगा, तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है आज, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा इस वीडियो को देखने के लिए, है ना, जेन्युइन सब्सक्राइबर बनने के लिए, दिल से थैंक यू।
उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो क्या करना है, कुछ मत कीजिए यार, कुछ मत कीजिए, वीडियो देख लिया उसी के लिए बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।